ये जो हम लोग पढ़े हैं गति, क्या पढ़ते रहे? गति। गति को मोशन, अंग्रेजी में मोशन कहते हैं। क्या कहते रहे? मोशन। अच्छा, मोशन भी दो तीन प्रकार हो सकता है। यस सर। कितना प्रकार है? चार प्रकार। वैसे ये पांच प्रकार भी हो सकता है। यस सर। तो मैं स्पेशल जोड़ सकता हूँ लूज मोशन। यस सर। वो ऐसा मोशन है जिसको लाल झंडी दिखाने पर भी नहीं रुक ट्रेन को लाल झंडी दी जाए तो रुक जाएगा। जी सर, उतना भारी चीज। इतना हल्का चीज नहीं रुकेगा। चलिए, आपसे पूछेगा कि गति किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा गति किसे कहते हैं, तो आप दीजिएगा सवाल का जवाब कि जब कोई वस्तु किसी समय के अंतराल में, यानी समय के साथ जो है वो अपना स्थान बदल लेता है, अपना स्थान बदल लेता है, उसे गति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गति। अब जैसे मान लीजिए कि ई है, है ना जी? यस सर। अब यहाँ नाक पर रखे हुए हैं, यस सर। खिसक यहाँ आ गया, समय लगा ना जी? गति किया, यस सर। अब जैसे मान लीजिए कि कोई है, उसको ऐसे करके यहाँ है, इसको धक्का दे रहे हैं, आगे बढ़ा, यस सर। इसमें गति कर रहा, क्या किया हम? गति, समय लगाया। पहला देखो बल लगा, लेकिन ये क्या हुआ? गति किया, यस सर। अक्सर देखेंगे मोटरसाइकिल में क्या करेगा कि अक्सर बाजार में देखेगा खूब नंबर रखेगा चुक्का वाला गाड़ी में, yes, yes, देख रहा है इसको मतलब एक बढ़िया सा एक लड़की बैठा लेगा, बैठा लेता है पीछे, वो भी लड़की बैठ गई, उसके बाद उड़ाता है जैसे का, इसका मतलब स्टार्ट जो कर रहा है उसको बोलते हैं एक्सेलेरेटर। क्या कहते हैं? विज्ञान की भाषा में हिंदी में उसको त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। एकाएक परिवर्तन हो जाता है उसको त्वरण कहेंगे, लेकिन हमको क्या पढ़ना है? यहाँ गति। गति क्या पढ़ना है? गति। तो जब वो गाड़ी के स्टार्ट के आगे बढ़ाया ना जी, तो तू लोग वहाँ मत ध्यान दो, गाड़ी वाला के ध्यान दे, इच्छू ध्यान दे रहा है। अब गति का भी बात समझ गए कि किसी समय के सापेक्ष, समय के साथ, सापेक्ष मतलब उसके माने साथ, समय के साथ स्थान क्या करता है? बदल लेता है। बसर है उठ के यहाँ से यहाँ। जैसे देखिएगा कि कोई लड़की है, बड़ी हुई, उसका शादी हुआ, नहरास कहाँ चली गई? ससुराल। तो गति कर गई मेरे, yes, नाम होगा फलना कुमारी, वहाँ जाकर देवी हो गया, बदल गया, yes, तो उसमें भी गति हो, नाम में भी गति हो गया, हो गया ना। गति में भी चार वैरायटी, क्या वैरायटी? चार वैरायटी। अब मोटरसाइकिल पर बैठ के अगर सीधा दूर दूरल जा रहा है तो कौन गति में? आप हेलमेट लगाने देख लीजिए, एकदम पीछे बैठा है, देख रहे हैं ना, आगे चल रहा है, तो कौन गति में? सीधे जा रहा है तो कौन गति में? मान लो कि कोई बउआ को मम्मी जो है मान लीजिए गया माटी में लौट गया, किस में लौट गया? माटी में। मम्मी एक छड़ी मार के छटपट से दौड़ते भागा, सीधा भागा, कौन गति में? याद रहेगा ना, यस सर। आपको इसमें कोनो परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखिए कि सीधी दिशा में अगर भागा सीधी दिशा में जाने, जैसे रेखीय गति का बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। कभी कभी आप लोग को कुत्ता दबारा होगा, yes, sir. तो आप लोग भी सीधे भागे होंगे, yes, तो बताइए कौन गति में भाग रहे हैं? सीधे। बात समझे? सीधा अगर जब भागेगा तो कौन गति में? रेखीय गति में। और सीधा एकदम भाग रहा, कुत्ता दबार दिया तो सीधा भाग गया। अगर मान लीजिए किसी का गए गाछ में अमरूद तोड़ रहे हैं, अब देख लिया मालिक तो तुमको लाठी लेके दबाएगा, yes, तो कौन गति में भागेगा? सीधे भागेगा, कहेगा कहेगा लेने लुत्ती पुत्ती पार, रखी गति समझ में आया। अब होता है एक वृत्तीय गति, वृत्तीय गति समझते हैं? अच्छा, सीलिंग फैन का छत पंखा घूम रहा है ना, घूम रहा है ना जी। अच्छा, इसमें से कितना आदमी है जो बड़का झूला पर चढ़े? सर हम चढ़े, चढ़े ना, यस सर। ब्रेक ऑन। बड़का झूला पर चढ़िएगा ना तो जब झूला नीचे होगा ना तो लगेगा अतरी पतरी पुल हो गया, सर लगता है सब कुछ एकदम वायरल हो गया था, वो पत्नी से लड़ गया पति, कहा चलो बड़का झूला पर हम चढ़वे करेंगे, चढ़वे करेंगे, झूला पर जब नीचे झूला ना तो लगता है कि पेट दानी से कुछ है ही नहीं, जोर जोर से ढकर ढकर के कमरा बचा ले, बचा ले और स्पीच करो,
अतः जो झूला जो है झूला किस गति में है? वृत्तीय मतलब होता है वृत्ताकार गति गति हो गया गति बड़का जो गोल का झूला होता है कौन गति हुआ बताइए सीलिंग छत पंखा कौन गति अब मान लीजिए पृथ्वी है उसके जो ग्रह चक्कर लगाता कौन गति इसमें से कितना आदमी अति में गए हैं अष्टजाम होता है उसमें कभी गए सर गए है ना यस सर ये हुआ अष्टजाम वो जिसको बोलते हैं अष्टजाम में जाइएगा तो देखिएगा कि एगो खोपड़ी बनल रहेगा ठीक है यस सर और चारों बगल घूम रहा है तो पूछेगा कौन गति वृत्तिया गति भाषण अरे यस सर अष्टजाम में जो जाते हैं तो हम लोग कौन गति में अष्टजाम अरे लोग अष्टजाम कहते हैं यस सर यात्री का जातरी कहते हैं ना यस सर वो जो मरवा के चारों तरफ घूमते हैं तो कौन गति अच्छा इसमें से कितना आदमी ककर के कर मम्मी सोमारी बैर करती है सबके मम्मी करती है तो देखिएगा बोर के पेड़ या पीपल के पेड़ में देखिएगा चारों तरफ डोरा बांध के घूमते रहते हैं कौन गति कौन गति बताए ना यस सर बचपन में बच्चा को आना हाथ पकड़ के खूब एना कौन गति रे बुआ घुरमी लग जाते खूब नचा दिए ना जी हाथ और उखड़ देते उसे घुरमी छोड़ दीजिए भोजन जी मौत कुआं देखे होंगे मौत कुआं कौन कौन आदमी देखे देखेगा मौत कुआं में मोटरसाइकिल मौत कुआं में ऐसे करके चदरा ठोके मोटरसाइकिल चलाए हाथ छोड़ देगा पैर छोड़ देगा देह छोड़ देगा दीपक दीवाना हाथ छोड़ देता है हाथ छोड़ देता है पैसा वैसा लेना होगा ना तो देखिएगा गरीब ऊपर ले आएगा पूरा जो मचान रहता है खूब ना न हिलता लगता है सबको कार सब चढ़ा देता है सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है मोटरसाइकिल पर लड़की बैठा था तब तुम लोग देखता है हाँ और पैसा टानने लड़की जब पैसा टान भीड़ लगल था लड़का लड़की तुम लोग नहीं समझे महिला का जो है ना शक्ति है विज्ञान की भाषा में उसको आकर्षण बल नदी में नहाने के लिए गए कभी नदी में गुस्सा में डूबने का प्रयास कीजिएगा खूब नीचा में जाइएगा ना तो नीचे से आपको धक्का देकर ऊपर जो हाँ देता ऊपर कुछ पकड़ने रहेगा तो वो नीचे रहेगा और नहीं अगर छोड़ दिया तो ऊपर फेंक देगा वो कौन बल है उत्प्लावन बल ना हमको वो बल नहीं पढ़ना हमको पढ़ना है वृत्तिया गति पढ़े हैं यस सर कोई डाउट नो सर अच्छा इसमें से कितना आदमी है जो छोट बच्चा को खिलाए छोट बच्चा समझते हैं यस सर अभी इतनी गति हाँ इतनी बच्चा आता है ले हो आगे ले करते हैं रे यस सर कौन गति अमर घर में बच्चा जन्म कहाँ कहाँ गरे गाँव में गरे गाँव में ऐसे ऐसे करता है नरे कौन गति अच्छा एक एक एग्जांपल और देता है अच्छा बताओ कभी झूला झूले झूला झूले होंगे तो देखते होंगे बड़का झूला झूले है छोटका झूला पैर में बांध के उसमें रस्सी से बांध दीजिए और नीचे वो टोना बांध देते उसके बाद खेल या पीढ़ियों बांध देते पूरा तरपाइए खेल दिया जोर से हिया ऐसे ऐसे कर रहा ऐसे ऐसे कर रहा मजा आता कहीं रस्सी टूट गया ऊपर से तब बचपन में एक बार हम लोग ना गाछी ने उसी गाछी में टायर वाला झूला लगा
अब क्या हुआ उसमें फरका नहीं था तार वाला उसका बीच में धर के उसके बाद उसको झूला अब क्या हुआ दूगो जो दिल था ना टायर वाला अब क्या हुआ कि जब सबसे ऊपर ठिल दिया ना ऊपर गया ना तो दोनों में से एक टायर में से निकल गया ऊपर से जीरा हाँ सब तो ये भाग सर यहाँ पे गति सर दोलनी गति समझ रहे ना और भी समझ सकते हैं कि घड़ी का देखने में पेंडुलम टंटन आवाज करता है ऐसे कौन गति घड़ी का पेंडुलम कौन गति अच्छा मान लीजिए बंदूक से अगर गोली छूटा है तो कौन गति में जाएगा गति गोली घूमेगा दोलनी गति समझ गए याद रखिएगा बच्चा को खिलाते लय हो अच्छा कभी सोचे बच्चा को एना एना काहे झुलाते आप समझते देखो बहुत बच्चा को वृत्ति और आवर्त गति समझ में नहीं आता है सर हमको आ गया वैसा गति जिसमें एक के चीज बार बार रिपीट होता है वो आवर्त गति कहलाते हैं जैसे कहेगा सर एक सर एग्जांपल दीजिए तो जैसे बता देते हैं आप कभी सिलाई मशीन चलाते हुए देखे वो देखेगा सुइया है ना उस समय के अंतराल पर कौन गति है रे जैसे साइकिल चलाना रहता है तो पैडल चला रहे हैं तो वृत्तीय गति कौन गति रे पैडल चलाएंगे तो वृत्तीय गति काम करते रहते चलो कौन गति होगा बात समझ रहे ना तो ये समझ गए आप यस सर कि अगर कोई चीज को लगातार चलता हाँ लगातार चलना नहीं समझ रहे यस सर अब कभी साइकिल में हवा भरे दे फिर कौन गति है कौन गति आवर्त गति समझ रहे हैं सिलाई मशीन सबसे बेस्ट उदाहरण है नहीं जी तो कौन गति में आएगा आवर्त गति ये आपको समझ में आया यस सर आपसे कोई पूछेगा दोलनी गति तो कहिएगा ले हो बउआ झूलना है दोलनी गति समझ रहे हैं यस सर आप बउआ का अगर एना एना करते कौन गति कौन गति हो जाएगा अगर कहेगा नैया कौन गति बेटिया गति समझ गए जैसे सीलिंग फैन चलेगा तो कौन गति में सीलिंग फैन ऐसे चलेगा तो बेटिया बस बड़का झूला पर चढ़ेगा तो कौन गति वृत्तीय गति पृथ्वी केंद्र पे ग्रह घूमता है अष्टजाम में जाते हैं तो कौन गति सोमारी बहन में जाते हैं तो कौन गति वृत्तीय गति बंदूक से गोली चले तो होगा ना जी कोई डाउट इसको जो आप आपको कहा जाए कि इसको याद रखने की जरूरत है तो समझ गए ना यस सर अब इसका डेफिनेशन वगैरह लिखाना पड़ेगा नो सर लिखा दे